दोस्तों BTS के मेंबर से मिलना हर आर्मी के लिए बहुत ही ज़्यादा लकी चीज़ है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक टाइम ऐसा भी था जब एक लकी आर्मी के घर BTS के मेंबर जिन खुद चल कर गए थे। यही नहीं बल्कि उन्होंने उस आर्मी के साथ खाना भी खाया था, उसके घर में खाना भी बनाया था और उनको गाना सुनाया और उनके साथ फ़ोटोज़ भी खींची थी। हाँ दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है। तो दोस्तों मैं जिस इवेंट की बात कर रही हूँ वो तब हुआ था जब BTS के मेंबर का न्यू सॉन्ग DNA आने वाला था। दोस्तों यही नहीं बल्कि इस वक्त BTS के दो मेंबर यानी जिन और जंगकुक एक शो में गए थे। दोस्तों ये शो साउथ कोरिया में काफ़ी फेमस था और इसका नाम है लेट्स हैव डिनर टुगेदर। तो दोस्तों एक्चुअली इस शो के दो होस्ट हैं और वो हर एपिसोड में किसी नए सेलिब्रिटी को बुलाते हैं और उसको लेकर रैंडम और अननोन लोगों के घर जाते हैं ताकि उनके साथ खाना खा सके। और इसका कुछ फिक्स लिमिट ऑफ टाइम होता है, उसी टाइम में आपको फटाफट से कोई घर ढूंढना होता है जो आपको खाने के लिए इनवाइट करे, वरना आप हार जाते हैं। तो दोस्तों जिन और जंगकुक दो टीम्स में डिवाइड थे शो के एंकर्स के साथ और उस टाइम पे ये लकी चीज़ हुई थी। तो दोस्तों जब जिन और उनके पार्टनर का टाइम ख़त्म ही होने वाला था तो अचानक से उनको एक फ्लैट के बाहर दो आर्मीज दिखाई दे गई। हालांकि जिनको पहले नहीं पता था, उन्हें सिर्फ दो लड़कियाँ दिखी तो उन्होंने उन्हें हाई करा, बट वो लड़कियाँ जिनको देखने के बाद चिल्लाने लगी और उसके बाद उन्होंने रिवील करा कि वो एक आर्मी है। हालांकि जब जिन ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने खाना खा लिया है तो उन्होंने बताया कि अभी उन्होंने खाना नहीं खाया है और अपने डैड से परमिशन लेकर उन्होंने जिन को घर में बुला लिया। हालांकि दोस्तों ये बहुत ही लकी इवेंट था क्योंकि उस दिन उस आर्मी के साथ उनकी बहुत ही सारी फ्रेंड्स भी आई हुई थी उनके घर पार्टी करने के लिए। तो सभी आर्मीज जिन से मिली और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। दोस्तों यही नहीं बल्कि शो में आपको उनके साथ बैठकर खाना खाना होता है, तो जिन ने उनके फादर की हेल्प भी करी खाना बनाने में और सभी आर्मीज को बताया कि ये डिश स्पेशली जिन ने बनाई है। दोस्तों इसके बाद जिन ने उनसे बहुत ही सारी बातें करी जहाँ पर उनके फादर ने रिवील करा कि जो आर्मी है वो हमेशा BTS की वीडियोस देखती रहती हैं और कभी कभी पढ़ाई भी नहीं करती, जिसको सुनने के बाद जिनको काफ़ी शर्म आ रही थी। दोस्तों यही नहीं बल्कि उसके जस्ट बाद शो के एंकर ने उस आर्मी से पूछा कि क्या वो अपनी मदर को पसंद करती हैं या फिर फादर को, तो उनकी बड़ी बहन ने बताया कि वो अपने फादर को ज़्यादा पसंद करती हैं। हालांकि दोस्तों इसके बाद बहुत ही शॉकिंग चीज़ हुई और वो ये थी कि शो के एंकर ने उनसे पूछा योर फादर वर्सेस बांगतान। तो दोस्तों एक सेकंड के बिना सोचे समझे उन्होंने सीधे BTS का नेम ले लिया, जिसको सुनने के बाद उनके खुद के फादर बहुत ही शॉक्ड हो गए थे। यहाँ तक कि शो के एंकर भी बहुत शॉक्ड हो गए थे कि उन्होंने बिना सोचे यानी एक सेकंड भी नहीं सोचा और अपने फादर से पहले BTS को चुन लिया। हालांकि दोस्तों ये वो मोमेंट था जब जिनको बहुत ही शर्म आ गई थी, उन्होंने अपने मुंह को छुपा लिया और वो उनके फादर से बहुत ही माफ़ी मांग रहे थे कि उनकी बेटी ने उनके सामने BTS को चुन लिया अपने फादर को छोड़ के। हालांकि दोस्तों हमारे जिन इतने ज़्यादा हम्बल हैं कि सभी खाना हो जाने के बाद उन्होंने उनके साथ वहाँ पर बर्तन भी वॉश करे और उसके बाद बैठ कर अपना अनरिलीज सॉन्ग सुनाया। दोस्तों इमेजिन करिए कि BTS के मेंबर आपके घर में आते हैं और वहाँ पर उनका जो सॉन्ग रिलीज़ नहीं हुआ है वो आपको लाइव सुनाते हैं। तो दोस्तों जिन ने उनको DNA का एक पार्ट लाइव भी सुनाया और उनके साथ बहुत सारी फ़ोटोज़ भी खिंचवाई थी। तो दोस्तों ये मोमेंट उस आर्मी के लिए बहुत ही ज़्यादा लकी रहा होगा क्योंकि उस दिन जिन उनकी वजह से जीत भी गए थे। हालांकि दोस्तों जंगकुक हार गए थे क्योंकि उनको उस टाइम पीरियड में कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जिसने तब तक खाना नहीं खाया था। तो दोस्तों मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि क्या आपने इस एपिसोड को देखा है या फिर नहीं, और अगर देखा है तो ये आपको कैसा लगा। और दोस्तों जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।